कैसे हो आप सब। मैं हूँ निवेदिता। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में ब्लैक और वाइट चोको चिप्स, जो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। अब ये चोको चिप्स घर में ही बहुत ही आसान तरीके से कुछ भी टिप्स और ट्रिक्स के साथ बन सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर जाके लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वेलकम है आप सबका डिलीशियस हवा में। चोको चिप्स को बनाने के लिए मैंने लिया है मोडे का डार्क कंपाउंड चॉकलेट और मिल्की बार। वाइट चोको चिप्स बनाने के लिए मिल्की बार। ये मिल्की बार बहुत ही आसान तरीके से मार्केट में दुकानों पे मिल जाती है, 10 रुपये का पैकेट होता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने ब्लैक चॉकलेट का एक पीस लिया है, जिसको मैं नाइफ़ की हेल्प से बहुत छोटा छोटा सा काट लूँगी। बिकॉज़ बहुत छोटा छोटा जब कटा रहेगा तो ये बहुत ईजली मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं माइक्रोवेव में मेल्ट नहीं कर रही हूँ, डबल बॉइलिंग प्रोसेस से मेल्ट कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको इसको काट लेना है। और फिर मैं एक बाउल में ये वाइट मिल्की बार चॉकलेट जो है, इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लूँगी। ये ऑलरेडी बहुत ही पतला होता है तो इसको काटने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आप तोड़ लो ऐसे छोटे छोटे पीस में। फिर उसके बाद मैंने एक बड़े से बाउल में पानी जो है बॉईल किया है। अब इसके ऊपर हम अपने इस बाउल को रख देंगे। मैं ये ब्लैक चॉकलेट का बाउल रखी हूँ और स्पैचुला की हेल्प से इसको हम यूँ चलाते रहेंगे जब तक कि ये मेल्ट नहीं हो जाता। जब ये इस तरीके से मेल्ट हो जाएगा मीन्स ये बनने के लिए रेडी है। लेकिन हाँ, इसको ध्यान देना है कि बिल्कुल जब गर्म रहे तभी नहीं बनाना है, तभी पाइपिंग बैग में नहीं भरना है, वरना चोको चिप्स की शेप अच्छी नहीं आती है। तो जब ये रूम टेम्परेचर पे हो जाए तभी आप पाइपिंग बैग में डाल के चोको चिप्स बनाइए। इसी तरीके से मैंने ये वाइट चॉकलेट का बाउल भी गर्म पानी के ऊपर रख लिया है और ये भी बिल्कुल अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। इन दोनों को मेल्ट करने के बाद मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया था। तो अभी मैंने यहाँ पे लिया है ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर। ये रीयूजेबल होता है, इसको मैंने यूज़ किया था नान खटाई बनाने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको ये दूध का पैकेट दिखा रही हूँ कि आप ये दूध के पैकेट को भी एज ए पाइपिंग बैग यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है। तो मैंने ये पाइपिंग बैग लिया है जिसमें मैं ये ब्लैक कंपाउंड चॉकलेट को मेल्ट करके डाल रही हूँ। ये मेरा चॉकलेट बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और बहुत ठंडा भी नहीं है, रूम टेम्परेचर पे भी नहीं कह सकते। बट हाँ, रूम टेम्परेचर पे भी लेके आप चोको चिप्स बना सकते हो। बट क्या होता है कि बनाते बनाते वो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। फिर हम अपने पाइपिंग बैग को बहुत ही आगे से बहुत ही छोटा सा टिप काटेंगे इसका। अगर बड़ा कट जाएगा तो वो बहुत बड़े बड़े चोको चिप्स बन जाएंगे। बट मुझे मीडियम साइज़ का ही चोको चिप्स चाहिए था, इसलिए मैंने छोटा सा ही टिप को कट किया था। अब यहाँ पे इस तरीके से नीचे के साइड पुश करते हुए थोड़ा सा पाइपिंग बैग को ऊपर लाना है। तो इससे क्या होगा कि वो थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में अच्छा सा चोको चिप्स जैसे होते हैं उस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे मैंने पूरे जितना मैंने बेकिंग पेपर लिया था मैंने सब पे बना दिया है। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी ट्रे में करके। अब यहाँ पर हम बनाएंगे अपना वाइट चोको चिप। तो इसके लिए भी मैंने पाइपिंग बैग ले लिया है और उसमें हम अपना ये मेल्टेड वाइट चोको चिप्स डाल देंगे। हाँ, ये ध्यान रखना है कि इसको ठंडा करने के लिए आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप फ्रिज में भी रखोगे तो ये 2 मिनट में जो है कि चॉकलेट सेट हो जाता है। तो ये आपके पाइपिंग बैग में सेट हो जाएगा तो फिर आपको चोको चिप्स बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो जिस तरीके से मैंने ब्लैक चोको चिप्स बनाया था उसी तरीके से मैं ये वाइट चोको चिप्स को भी बना लूँगी। और अगर आपके पास OHP शीट है तो आप उस पर भी बना सकते हो। मैंने ये बेकिंग पेपर पे बनाया हुआ है तो इसको मैं फ्रिज में रख दी थी, ये सेट हो गया और बहुत ही ईजली ये निकल जा रहा है। ये मेरा बेकिंग पेपर रीयूजेबल है, ऑडी का इको बेक, इसको आप रीयूज भी कर सकते हो धो के। ये देखिए मेरा कितना अच्छा सा चोको चिप बन के रेडी हुआ है, ब्लैक वाला।
और वाइट वाला भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो।